ये देखिए ऐसा भर गया। ब्लॉगिंग चालू रहती है। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों अब मेरा टास्क पता है क्या हो गया है, कि मुझे पहुंचना है जो भाई मेरे साथ सुबह आए थे ना उनके पास। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक शानदार जानदार ईमानदार ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? तो अभी बज रहे हैं रात के 12, मतलब 12:01 होने वाले हैं। तो अब गुड मॉर्निंग करूं कि क्या करूं, गुड मॉर्निंग ही कर देता हूं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह चुस्त तंदुरुस्त। और पता है मैं रात को 12 बजे तक क्यों जग रहा हूँ? क्योंकि अभी चल रही है हमारी अमरनाथ जाने की पैकिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, मैं अमरनाथ के रास्ते में ही होऊंगा या फिर मैं पहुँच चुका होऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पिछले 2-3 दिन से नेट नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है नेट? मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को और पहले डालूं, लेकिन जो अभी उदयपुर कांड हुआ है ना, जो बहुत ही घटिया हरकत की है जिन लोगों ने, उस कांड की वजह से राजस्थान में नेट बंद है पिछले 2-3 दिन से। पता नहीं कब चलेगा। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मैं शायद पहुँच चुका हूँगा श्रीनगर तक। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले है अपनी जैकेट। ये है जैकेट और ये है कैप। इसके साथ मफलर भी है, वो मैंने शायद बैग में रख दिया है या नहीं, कपड़ों में कहीं ना कहीं रखा होगा। मफलर भी लेके जा रहा हूँ और कैप भी लेके जा रहा हूँ, ये वाला, और एक जैकेट ये वाली। उसके बाद ये अपना हो गया रेनकोट। ये है रेनकोट। ये हो गए अपने 2 जोड़ी कपड़े। एक यहाँ से पहन के जाऊँगा और एक नेकर रखा है और एक जीन्स रखी है और एक टी शर्ट और रखूँगा इसके साथ, ठीक है। ये हो गए अपने अंडर गारमेंट्स सारे। ये है अपने सॉक्स। ये अपने खाने पीने का सामान, ज़्यादा नहीं लेके जा रहा क्योंकि जितना भारी सामान लेके जाऊंगा उतना ही प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। ये है रही अपनी टॉर्च रात को चलने के लिए वहाँ पे। फेस वॉश, ये बैग है जिसमें सारे मेरे गैजेट्स जाएंगे, मेरी बैटरी, कैमरे की बैटरी, पावर बैंक, चार्जर, जो भी कुछ है सब इसी में जाएगा जो मेरे ब्लॉगिंग के रिलेटेड है। और इसमें शायद मैं अपने ये डॉक्यूमेंट्स भी रखूँ जो मुझे लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स मेरे ये रहे, मैंने सब कुछ इनकी प्रिंट आउट निकलवा लिया है। ये अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया अमरनाथ का, और ये सारे प्रिंट आउट हो गए फ्लाइट के, और बोर्डिंग पास भी हो गया अपना। उसके बाद ये हाथ के ग्लव्स, पता नहीं यूज होंगे कि नहीं होंगे। और ये मोबाइल कवर भी रख लिया है मैंने रेन से बचने के लिए, कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं है, मोबाइल सेफ रहेगा। ये अपना हो गया सनग्लासेस, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ती है। ये हो गए 2 मास्क, हैंकी भी रख लिया है मैंने ज़रूरत पड़े, और एक स्वाफी भी रखी है अपने लिए, तो वो भी मैं लेके जाऊँगा। तो ये अपना कुछ सामान है और बस इतना ही है। ज़्यादा सामान इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि वहाँ पे जितना सामान ले जाऊँगा उतनी ही प्रॉब्लम होगी मुझे उसको उठाने में, क्योंकि मेरा बैग भी देख लिए, ये बैग ही इतना भारी है। ये मैंने डिकैथलॉन से ख़रीदा था, ये बहुत बहुत भारी है। और अब मैं इसमें पैक करता हूँ और आपको बैग दिखाता हूँ कैसा बनता है। सो फाइनली दोस्तों, अपना बैकपैक इज़ रेडी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जितना आपको दिखाया था ना उससे भी कम सामान कर दिया, क्योंकि बैग भारी होता जा रहा था। मैंने सोचा इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, सब कुछ निकाल दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा बन गया है ये बैग। फिर भी ये देखिए ऐसा भर गया है बिल्कुल। और ये एक छोटा बैग और एक बड़ा, ये तो मेरा पाउच वाला बैग हो गया और ये बड़ा बैग हो गया। इन दोनों को लेके जाऊँगा मैं। और अब बच चुके हैं रात के 1:30, मतलब 1:30, और मुझे आ रही है बहुत तेज नींद क्योंकि सुबह मुझे जाना भी है। चलिए अब मैं सोता हूँ, आपको सुबह मिलता हूँ फिर। The next day, गुड मॉर्निंग मेरे YouTube फैमिली। तो दोस्तों मैं तो बिल्कुल रेडी हो गया जाने के लिए। अब बच चुका है टाइम शाम नहीं सुबह के 7:30। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। कैसे आप लोग? मैं हमेशा की तरह चुस्त तंदुरुस्त। और काश्मी भी जग गई है, आज मैंने इसकी छुट्टी करा दी है स्कूल की। और गाइस, पापा जाने पहाड़ों पे हमें झूल के खिले। तो अब स्विमिंग पूल अकेले गए थे ना वैसे ही। अच्छा, अब मैं कोशिश करूंगा काश मेरे साथ सब जगह जाए। तो अब चलते हैं, हम आपको सीधा रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी पैकिंग करनी है, कुछ सामान भी लेके आना है। चलिए चलते हैं फिर। सो दोस्तों, मैं कुछ सामान लेने जा रहा था घर से बाहर, क्योंकि थोड़ा वो सामान मेरा अभी भी रह गया है। और मुझे देखो कौन मिला, कार्तिक। ये बहुत दिन से कह रहा है कि मुझे अपने ब्लॉग में लो, मुझे अपने ब्लॉग में लो। आज मेरे साथ ये है और ये स्कूल जा रहा है सुबह सुबह। कौन से स्कूल जाता है? पेरेंट्स प्राइड। पेरेंट्स प्राइड स्कूल जाता है।
तो अब मैं निकल रहा हूँ, तो ये मुझे मिल गया सुबह और मुझसे कह रहा है कि मुझे ब्लॉग में लो आप अपने, और मेरी वीडियो अपने इस ब्लॉग में डालना मुझे। तो हेलो कर दो सबसे, हेलो चाचू का चैनल सब्सक्राइब करो। चलो फिर मिलते हैं फिर, है ना। Soon after. So finally दोस्तों, मेरा क्या है, चेंज हो गया है रूट। मैं पहले जा रहा था ट्रेन से, अब जा रहा हूँ मैं कार से। ये हमारे रूपेश भैया हैं और ये हमारे बंटी भैया हैं। ये क्या है, इनकी टिकट पहले हो रही थी, पहले बाइक कार से जा रहे थे ना, इन्होंने लास्ट टाइम पे चेंज कराया, ये दोनों जा रहे हैं फ्लाइट से, और अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ। इनकी भी एक तारीख की हुई है और मेरी भी एक तारीख की। हमारे पूरे ग्रुप में हम तीन हैं जो एक तारीख को जा रहे हैं, बाकी सब लोग दो तारीख को आएंगे। और अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ कार से, मैंने अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करा दी है। इनका टाइमिंग और मेरी टाइमिंग में बस ज़्यादा अंतर नहीं है, 3 घंटे का अंतर है, तो मैंने सोचा इनके साथ ही निकल जाऊँ। तो अब हम जा रहे हैं आगरा, अब हम जा रहे हैं मथुरा होते हुए सीधा दिल्ली। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट पे, और अभी बज रहे हैं 1 और मेरी फ्लाइट है शाम को 6:30, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे सब लोग अपना खाना खरीद के खा रहे हैं और मैं पैक करा के लाया था घर से, तो अपना वही चल रहा है। अभी खाना खा लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे अंदर आने में। मैं आपको बताऊँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अभी खाना खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। दोस्तों मेरी फ्लाइट है शाम को 6:30, अभी मैंने देखा था टीवी स्क्रीन पे, तो बताया था 6:30 है, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना खा लूँ। अभी मैंने खाना भी खा लिया है और अब मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ यहाँ पे, और ये ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे एयरपोर्ट है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई मॉल है और मैं उसमें कॉफ़ी पी रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है ना, मैंने पहली बार देखा। टर्मिनल 3 शायद दिल्ली का सबसे अच्छा मॉल है, तो टर्मिनल 3 शायद दिल्ली का सबसे अच्छा। टर्मिनल है, और मैं जब मैंने एंट्री करी थी ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा है, क्योंकि मेरा कैमरा चार्जर सब कुछ मैं कैरी कर रहा हूँ इस बार, तो वहाँ पे मेरी क्या चेकिंग ज़्यादा हुई थी, तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। बढ़िया है मैं ज़्यादा जल्दी आ गया, क्योंकि ये सब चेक करने में काफ़ी टाइम लगा, कम से मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया वहाँ पर खड़े खड़े। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस अपना फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ। टाइम जैसे ही होगा सीधा अपने फ्लाइट में, और आपको सीधा मैं श्रीनगर बोलूँगा, तब तक मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये कैसा है। ये बहुत बड़ा है। खाना वाना खा पी के मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा शॉपिंग एरिया देखने, यहाँ पे किस तरह से फूड कोर्ट तो मैंने अभी देखा पूरा, आपको दिखाया था। अब मैं जा रहा हूँ शॉपिंग एरिया देखने, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितने सारे प्लेन खड़े हुए हैं यहाँ पे। कुछ ही देर में मैं यहाँ पे जाऊँगा, लगभग 6:30 यहीं से मुझे फ्लाई करना है। फ्लाई बसेज भी चलती हैं अंदर, सही है यार, बहुत सही है। तो ये पूरा एरिया है, और ये देखिए ये शॉपिंग एरिया, यहाँ से कुछ भी खरीद सकते, एक से एक एक्सपेंसिव आउटलेट है यहाँ पे। मेरा फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे, जो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है लेकिन थोड़ा बुरा लग रहा है। वो क्यों लग रहा है मैं आपको अभी नहीं बता सकता, एक दिन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लग रहा है बुरा। दुकान में कभी नहीं देखता, आज मैं उसी के अंदर हूँ। और ये देखिए यहाँ कितने सारे वाइन और कितनी सारी वाइन रखी हुई है यहाँ पे। दोस्तों वेट करते करते मुझे हो गया है, शाम को 6 बज चुके हैं, अब मेरा टाइम होने वाला है 1.5 घंटे में, 6:30 की मेरी फ्लाइट है, मैं 1 बजे पहुँचा था। अब मैं थोड़ा रेस्ट व्रेस होने आया हूँ, यहाँ से सीधा अपने डेस्टिनेशन पर जाता हूँ जहाँ से मुझे फ्लाइट में बैठना है। तो चलिए अपना टाइम भी होने वाला है, अब मैं आपको सीधा फ्लाइट में मिलता हूँ। मेरा जो काउंटर है जहाँ से मुझे फ्लाइट पकड़नी है, वो 60 नंबर है, वो सबसे एंड में है। मैं पहले सबसे आगे बैठा हुआ था, अब मैं सबसे एंड में आ गया हूँ। मेरे पास मैसेज आया था, उसमें पता चला कि मुझे 60 नंबर से गेट से जाना है, तो मैं 60 नंबर पर पहुँच चुका हूँ अब इसी। तो बस यही 60 नंबर गेट है, यहीं से अपना डिपार्चर है। फाइनली दोस्तों चेक इन हो गया है, गेट से मैं बाहर आ गया हूँ, अब सीधा मैं प्लेन में जा रहा हूँ। I'm
है कि सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कश्मीर, और अब मैं यहाँ रात को इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे दो भाई आए हुए ना, सुबह मिले थे, ये अपने करण भाई हैं जो मुझे फ्लाइट में मिले, और अब यहाँ तक का साथ था हमारा, और अब मिलते हैं बहुत जल्दी। दोस्तों अब मेरा टास्क पता है क्या हो गया है, कि मुझे पहुँचना है जो भाई मेरे साथ सुबह आए थे ना उनके पास, तो मैं एग्जिट ढूंढ रहा हूँ कहाँ से है। सो दोस्तों लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ होटल में, जहाँ पे लिए लोग रुके हुए हैं, काफ़ी दूर होटल लिया है लोगों ने, और सुबह वापस हमको वहीं पहुंचना है एयरपोर्ट। अब मैं क्या करूं, आ गया मैं यहीं पे, और थर्ड फ्लोर पे लिया है, वो भी पैदल पैदल चलना पड़ रहा है थर्ड फ्लोर पे ऊपर। ठीक है चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। One hour later. So finally दोस्तों हम खाना वाना खा के आ चुके हैं, और भैया एकदम मजे में और ना वाले रात में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो खाना वाना खाई एकदम सेट है, और अब इतना थक चुके हैं क्योंकि आज सुबह से हम चले ही चले जा रहे हैं। तो अब इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं करता हूँ, फिर मिलते हैं ऐसी किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन कोई गलत काम ना करें, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर।